ओके बच्चों, सो नेक्स्ट है सपोज के बाद हमारा पी आर आई एन सी ई डबल एस प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी। ओके नेक्स्ट होगा बच्चों हमारा सी ए एल होगा बीच में, यहाँ पे हम लिखेंगे सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब बुलाया। ओके सो नेक्स्ट सी एच आई एल डी आर ई एन, ओके आर ई एन, तो ये होगा हमारा चिल्ड्रेन, एल डी आर ई एन, ओके चिल्ड्रेन होगा। ओके सो ये हमारा एस ई वी ई आर ए एल सेवरल, सेवरल का मतलब कई सारे, ओके या अनेक। नेक्स्ट सेकेंड रो में ए आर ओ यू एन डी अराउंड, ओके अराउंड का मतलब चारों ओर। नेक्स्ट होगा हमारा आर आई सी एच ई आर रिचर, रिचर का मतलब बहुत अमीर। एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैरना। एफ ए एम आई एन ई फैमिन, फैमिन का मतलब होगा बच्चों सूखा पड़ना, ओके या अकाल पड़ना। ओके टी आर ओ यू बी एल ई स्ट्रबल्स, स्ट्रबल्स का मतलब होगा बच्चों परेशान करना। ओके नेक्स्ट है हमारा सी ए एल वी ई एस, ओके काल्व्स, एंड नेक्स्ट होगा हमारा टी एच ओ यू जी एस टी थॉट, थॉट एन ओ आई एस ई। ओके नॉइस, नॉइस का मतलब होगा बच्चों आवाज। ओके सो दिस इज इट फॉर द स्पेलिंग सेक्शन, एंड नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में हम चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज नंबर एफ, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 40-50 वर्ड्स ऑन द गिवन टाइटल। हमें यहाँ पे ये आई थिंक मिसमैच एक्सरसाइज हो गया है बच्चों, यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, ओके एंड मिस यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे अपोजिट स्पेसेस में हमें सपोर्टिंग वर्ब्स के साथ हमें यहाँ पे इसको फुलफिल करना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज को अपनी फुलफिल करते हैं। ओके सो यहाँ पे देखिए हमें सेंटेंसेस हैं, बीच में स्पेस दिया है और साइड में यहाँ पे एक सपोर्ट वर्ब, ये वर्ब दी हुई है, हमें इन वर्ब्स को यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ स्पेस में फुलफिल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वन डे मिस्टर हिचकॉक गेट अ पॉट ऑफ राइस, यहाँ पे गेट है तो सेकेंड फॉर्म में हम लिखेंगे गॉट, गॉट ए पॉट ऑफ राइस, एक दिन मिस्टर हिचकॉक को एक चावल से भरा बर्तन मिला। ओके ही, यहाँ पे हैंग लिखा है, ओके ही हंग द पॉट, एच यू एन जी सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे, ही हंग द पॉट नियर हिज बेड एंड ले डाउन, उन्होंने उसने जो है उस बर्तन को अपने बेड के पास लटका दिया और लेट गया। ओके नंबर थ्री, सेल आई ईट दिस राइस और सेल आई सेल इट, क्या मैं इसे खाऊं या मुझे इसे बेचना चाहिए, ही यहां पे थिंक है तो यहां पे हो जाएगा हमारा थॉट, उसने सोचा। ओके नाउ टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। ओके नंबर फोर हियर, दैट इज थिंकिंग ही वॉज, फर्स्ट में हमें लिखना है बीट, बीट दिया है, ओके तो यहां पे हम लिखेंगे बीटिंग, ही वॉज बीटिंग हिज सन, वह सोच रहा था कि वह अपने पुत्र को पीट रहा है। ओके रहा ही वह सोच रहा था कि वह अपने पुत्र को पीट रहा था, मिस्टर हिचकॉक मूव है तो यहां पे हो जाएगा मूव्ड। ओके मूव्ड हिज हैंड इन द एयर, ओके वह सोच रहा था कि वह अपने पुत्र को पीट रहा था, मिस्टर हिचकॉक मूव्ड हिज हैंड इन द एयर, और मिस्टर हिचकॉक ने अपना हाथ हवा में हिलाया। ओके
नंबर फाइव द पॉट ऑफ राइस हैड, यहाँ पे वर्ब में हमें फॉल दिया है तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉलन, ओके, हैड फॉलन डाउन, चावल का बर्तन गिर गया, ओके. नंबर सिक्स इट हैड स्पेस इंटू सेवरल पीसेस, ब्रेक है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोकन, ओके. इट हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इट हैड ब्रोकन इंटू सेवरल पीसेस. हैज हैव हैड के साथ बच्चों हम ग्रामर में पढ़ते हैं कि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी चाहिए, ओके. सो नंबर फाइव में भी हमने थर्ड फॉर्म यूज करी है और नंबर सिक्स में भी थर्ड फॉर्म यूज करी है. वेक ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ओके. नंबर सेवन द नॉइस स्पेस अप मिस्टर हिचकॉक, तो यहाँ पे वेक है तो ये हमारा होगा वो कप, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे डब्ल्यू ओ के ई, ओके. द नॉइस वोक अप मिस्टर हिचकॉक, आवाज ने मिस्टर हिचकॉक को जगा दिया, ओके. ही स्पेस अराउंड बट देयर वॉज नो बिग हाउस नो पूल नो प्रिंसेस नो सन एंड नो पॉट ऑफ राइस इवन, ओके. सो स्पेस में हमारा क्या है लुक, सो लुक है तो इसका हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे लुक्ड. ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा लेकिन वहां पे ना कोई घर था ना कोई पूल था ना राजकुमारी थी ना ही उसका पुत्र था और ना ही अब वहां पे उसके चावल का बर्तन था, ओके. सो आवर चैप्टर नंबर फाइव हैज बीन डन नाउ, ओके. वी हैव डन दिस चैप्टर कंप्लीटली. सो आपको बच्चों यहां से इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है, क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं और ये वर्ड अपोजिट फॉर्म्स जो आपको लिखाए गए हैं ये भी आप अपनी कॉपी में लिख के इसे याद करिएगा, ओके. एंड स्पेलिंग प्रैक्टिस की एक्सरसाइज को भी रिवाइज करिएगा, ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड फॉर द चैप्टर नंबर फाइव. टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पेज नंबर दैट इज चैप्टर नंबर सिक्स, ओके, ऑन पेज नंबर 23. सो फॉर एनी फर्दर क्वेरी अबाउट योर सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स ऑन योर स्क्रीन. And for any further information about your school, you can also contact on these numbers. So keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel, Sumit Singh Convent School on YouTube. Thank you.